स्थान है। प्लीज सेशन के लिए जो मैसेज आया कि आपको जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, तभी ऐसा लग रहा कहीं ड्रीम तो नहीं है, उस पर क्लिक क्लिक कर रही हूँ मैं कंफर्म। कईयों को तो ये भी लग रहा होगा घपला हो रहा है ना ऐसे ही। और मैंने सुना है वहाँ पे वो जो SMS आता है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आता है, ऐसा नहीं है ट्रू कॉलर में? हाँ आप सोच रहे हो क्या बात है भाई, वो बंदा इतना वेला है मेरे को ऐसे में देखो देखो देखो। जब मैसेज आया था ना तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आज मैं ना संदीप महेश्वरी से मिलने जा रही हूँ। एक मिनट मिलने जा रहे हो, सेशन अटेंड करने जा रहे हो? ये उल्टे सीधे काम करते आप लोगों, फंसते मेरे जैसे लोग हैं। कल को घर नहीं पहुंचे अगर 2-3 घंटे तक तो सीधा पुलिस स्टेशन में फोन करेगा, वो तो संदीप महेश्वरी मिलने गई थी। दुनिया में दो ही चीजें मुश्किल हैं, एक तो सब गवर्नमेंट जॉब पाना और दूसरा आपके शो का पास मिलना। अरे मतलब सोच रहे थे इतनी देर से है ना, ये बोलूंगा मजा आएगा मतलब थोड़ा सा। हाँ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे कैसे बढ़ाएंगे? यू विल नॉट टॉक अबाउट टिप्स, अबाउट ट्रिक्स, अबाउट टेक्निक्स जो ज़्यादातर हमको नेट पे मिलती है या बुक्स पे मिलती है, क्योंकि वो सब थियोरेटिकल है। तो हम कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे जिससे हम सब रिलेट कर सकें। क्या आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? अब ज़रा उस भाई साहब या बहन जी के बारे में ज़रा सोचिए कि ऐसा वो क्या करते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, देखो एक हो सकता है आपकी पर्सनल लड़ाई है तो उस इंसान के बारे में मत सोचना, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप क्या मैं क्या कोई भी 10 मिनट भी टिक करके बैठ नहीं सकता है, इरिटेट होने लग जाता है कोई भी उनके पास जाता है। तो अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं। हाँ आप इनको माइक दे दो। दे टॉक वेरी सेंसलेस एंड मीनिंगलेस, लाइक आप बात क्या कर रहे, अभी बात क्या चल रही है और आप बात कर क्या रहे हो, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनोइंग। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, yes. वो कुछ और ही बात कर रहे हैं जिसका उस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसी को सीखना बोलते हैं। अगर इस तरह से आपने सीख लिया तो अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम लाइफ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो देख पा रहे हो अभी इन्होंने क्या बोला, सेंसलेस और मीनिंगलेस। मतलब क्या कि वहां पर डिस्कशन चल रही है 4 लोगों के बीच में, वो भाई साहब या बहन जी जो भी हैं वो एकदम से आए और समझा नहीं कि क्या बात हो रही है और एकदम से ही कुछ और ही शुरू हो गए, यानी They are too eager to tell their point of view. यही हुआ ना senseless और meaningless? Yes, sir. कि बिना समझे कुछ भी बोलना, context को नहीं समझना कि अभी बात क्या चल रही है। जैसे हमारी बात अब यहां पर अभी क्या चल रही है, communication skills की बात चल रही है, आप एकदम से कोई और बात बीच में घुसा दो तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे 10 मिनट तक लेकिन सब सोए हुए मिलेंगे यहाँ पर है कि नहीं? बट अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो मजा आएगा। सर समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज व्हेन वी टॉक, इवन दो व्हेन वी टॉक सेंस एंड रेलिवेंट, द अदर पर्सन इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, व्हाट शुड बी अ रिएक्शन टू दैट, एंड व्हेन वी फील दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू अस। सामने वाला बंदा अगर नहीं सुन रहा है तो उससे बात करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, एज सिंपल एज दैट। सो यू आर वेरी गुड लुकिंग, हां यू आर वेरी गुड लुकिंग। तो आप सुन रहे थे अभी मैंने क्या बोला है या आई हर्ड दैट राइट? पीछे वहाँ पे सबसे उधर कॉर्नर में उनको माइक दे दो। सर मैं बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल चेपू होते हैं, जैसे कई 4-5 खड़े हो या अकेले हो, हम लग गया पिकान पर यार। हाँ वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या बातें चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो बस अपने बारे में दिखाना चाहते हैं हम क्या हैं, अपने बारे में ही बातें करते हैं चाहे कुछ भी बातें चल रही हो सर। हाँ और वो चेपू होते हैं, इसका मतलब ये भी हो जाता है ना, कई ऐसे ऐसे लोग आप जानते हो जो एक साथ क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं आपके ऊपर, आप जवाब दे रहे हो लेकिन उससे पहले ही उनका अगला क्वेश्चन तैयार है, वो सुन नहीं रहे हैं, वो पूछते चले जा रहे हैं, अच्छा कितना कमा लेते हो, क्या करते हो, शादी क्यों नहीं करी, बच्चे क्यों नहीं हुए, अरे भैया शादी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे यार। कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सामने वाले में और वो बताने में भी इंटरेस्टेड है, दैट मेक सेंस, वहाँ पे मजा आता है, जिसको वो इंजॉय कर रहा है, ऐसी क्वेश्चनिंग अच्छी है। अभी जो आप लोगों की एज है, अपने को भी इंक्लूड कर दूं मैं इसमें,
हमारी जो एज है इसमें हमारे आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है, पास तो इतना है ही नहीं। एक आदमी जिसकी एज है 70 साल, उसके आगे फ्यूचर क्या है? देयर इज नो फ्यूचर, उनके पास पास्ट ही पास्ट है। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर इन बातों को हमने सीखा नहीं है और समझा नहीं है इसी एज ग्रुप में, तो हमारी आदत ऐसी बन जाती है, कोई भी बात हो रही होती है, हम कोई बात कर रहे हैं, एकदम से कोई आएंगे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच में, वो अपना पास लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे टाइम में, हमारे जमाने में 10 रुपए के नोट से भी इतना कुछ हो जाता। रिलेट कर पा रहे हो? और एकदम से बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में अपने पास्ट को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ते हो, तो एक बात अच्छे से समझ लो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट में। कभी कभार एक आध बार कोई बंदा है, उससे कोई ऐसे डिस्कशन छिड़ गई है, पुराने स्कूल के यार दोस्त मिले हैं, वहां पर आप बात कर रहे हो, मेक सेंस, पर जबरदस्ती किसी के ऊपर चेप रहे हो, जैसे अपने बच्चे हैं या और कोई है, उनको जबरदस्ती उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, मेरे टाइम में मेरे, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो चेप को भी हमने डिफाइन किया, एक है अननेसेसरी क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग करना, एक के बाद एक पूछते चले जाना, एक है अपने पास्ट को बीच में ला करके घुसेड़ देना, ये गड़बड़ काम है, तो ये हमें नहीं करना है। हाँ, सेंटर में उनको दे दो। हाँ. मेरा पॉइंट इज दैट कि हम कम्युनिकेट करते हैं, वो एकदम से हमें शाउटिंग पे आ जाते हैं, लाइक कि मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे ये करना है, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, एंड सडनली पता नहीं क्या होता है कि वो शाउटिंग पे आ जाती है बात, और फिर जितना भी हमारा हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं मीनिंगफुल बात को, वो वहीं की वहीं पर रह जाती है, और हम मतलब लाइक वर्ड की किलस के वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। हम अपना व्यू नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं। होता नहीं है कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, बीच में पोलाइटली 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो जबरदस्ती चीख चिल्ला रहा है, उसने वैसे ही बोल दिया अगली बार तो ये सरकार आएगी, अरे तू क्या बता रहा है, मैं बताता हूँ ये सरकार आएगी, मतलब एकदम से अलग ही लेवल पे नहीं पहुंच जाते वो। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो समझ जाओ, जब भी आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बिल्कुल घटिया है। सोचो आप कहीं किसी दुकान में गए हो कुछ खरीदने के लिए, और वो सेल्समैन आपको डोमिनेट करने लग जाए कि आप छोड़ दो, आप क्या देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। गुस्सा नहीं आने लग जाता है? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग। जब भी कोई हमको डोमिनेट करता है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, हमको जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो लोग हमको पसंद नहीं आते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब क्या है, अभी तो हम ये पकड़ रहे हैं क्या नहीं है, डोमिनेट करना नहीं है। इसको थोड़ा और डीपली अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये आया है कम्यून से। कम्यून का मतलब पता है क्या होता है, किसी को, कोई तो पढ़ा लिखा होगा यहाँ पर। टू शेयर। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, किसी को कन्विंस करना या शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना या अपनी बात को मनवाना, शेयर करना। एक बार इनको माइक देना। जब कोई बोल रहा हो तो उसके चीज को फील करना, कि मतलब जैसे यू आर टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस और समथिंग, सो आई फील माई सेल्फ एट योर पोजिशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्सेलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली है, फील करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, पहले तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। ऐसे लोगों को क्या कहोगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बेकार है, कॉन्फिडेंस बहुत है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सूट बूट में आया कन्हैया, बट द मोमेंट जैसे ही बात होती है तो सब कचरा हो जाता है। ऐसा हुआ है लाइफ में कभी, देखा है? जैसे ही सामने वाला बंदा या बंदी मुंह खोलते हैं तो सारा रायता फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से समझना, पीपल डोंट नो हाउ टू लिसन, सुनना नहीं आता है लोगों को, बोलने में हर कोई इंटरेस्टेड है, और बिना सुने आप जो भी बोलोगे वो सब बकवास है। तो जो बकवास कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहोगे? तो सुनते कैसे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? लिसन जो वर्ड है ना, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। लिसन में LIS होता है, उसको उल्टा करो, SIL हो गया, जो अल्फाबेट्स हैं उसको शफल करो, जो बाद वाले बन गया साइलेंट। तो जो लिसन वर्ड है उसी में लिसन कैसे करते हैं उसका आंसर है।
You can't listen unless and until you are silent. ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हो तो possibility बढ़ जाती है उस बात को समझने की. जब बात को समझ करके आप कोई बात करोगे तो उस बात में दम होगा. बात में दम होगा तो सामने वाले सुनेंगे. साइलेंटली हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? या सुनने के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट होना चाहिए. बड़ी अच्छी बात बोली. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. देखो ध्यान से सुनो. अगर किसी पर्सन की बात में आपको इंटरेस्ट होता है तो सुनते हो ध्यान से या नहीं सुनते हो? जैसे अगर कोई बंदा आए और आकर के आपको बात करे कि भाई आपके पड़ दादाजी थे जो आपके नाम पे 150 करोड़ की वसीयत छोड़ गए, तो सुनोगे या क्या बोलोगे? अरे 150 करोड़ क्या होता है, मेरे बैंक में 15,000 रुपए पड़े हुए हैं, ऐसे बोलोगे? रिएक्ट करोगे उस टाइम पे या फिर एकदम कान खड़े हो जाएंगे, जैसे कुत्तों के कान खड़े नहीं हो जाते हैं? क्या क्या मतलब सच में? हाँ क्या? हाँ इंटरेस्ट आ गया ना. तो जैसे ही हमको इंटरेस्ट आ जाता है सामने वाले की बात में तो हम सुनने लग जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनने लग जाते हैं, और 99% काम तो वो इंटरेस्ट ही कर देता है उस कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाने के लिए. क्योंकि अब आप क्वेश्चंस भी ढंग के पूछोगे. फालतू के नहीं, क्या मतलब कौन से दादाजी, कहाँ के, मेरे सगे या कजिन या मेरे सौतेले या कहाँ के, कोई भी हो चलेगा, बताओ तो सही कौन है वो, कहाँ है, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके. समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्वेश्चंस भी ढंग के हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे हो, बिल्कुल फोकस्ड हो गए हो. इंटरेस्ट चाहिए. इंटरेस्ट हमें कब होता है सामने वाले की बातों में? जब पहले से हमने अपने कोई बिलीव्स नहीं बनाए हुए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में मेरी एक इमेज बनी हुई है कि हाँ ये बंदा है, ये बोलता है, इतने करोड़ लोग इसको फॉलो करते हैं, तो बाद में कुछ ना कुछ तो ढंग का होगा ही, तो बैठ करके सुन रहे हो. यहीं पर किसी और बंदे को ला करके मैं खड़ा कर दूंगा आप में से ही, जो हो सकता है मेरे से भी अच्छा कुछ बोल रहा है, कोई और काम की बात कर रहा है, नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है, उसको सुनोगे क्या? तो अब पॉइंट ये आता है कि कैसे जिस भी इंसान से हम मिले, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो एज में बड़ा है हमसे चाहे हमसे छोटा है, चाहे वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, हम किसी से भी मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल साइलेंटली आराम से पूरे इंटरेस्ट के साथ कैसे सुने? वो कब हो सकता है? जब आपका एटीट्यूड, जो बेसिक इस दुनिया का एटीट्यूड है वो है अर्निंग एटीट्यूड, वो ना हो, आपका एटीट्यूड हो लर्निंग एटीट्यूड. अब सीखने का कनेक्शन किससे है? ग्रोथ से है. ग्रोथ का मतलब हम क्या समझते हैं? अर्निंग की ग्रोथ. मतलब ग्रोथ उसे क्या होता है? बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है. सो एक्चुअल में ग्रोथ का कनेक्शन किससे है? जो बंदा कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, हर मिनट में, हर घंटे में, हर सेकेंड में वो बंदा ग्रो करता चला जा रहा है, उसका कनेक्शन किससे है? पैसे से है? लर्निंग से. लर्निंग ऑफ वॉट? टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अगर ऐसा आपका नेचर हो तो अब आप साइलेंटली सुन सकते हो ना, आप साइलेंटली बैठ करके सामने वाले को देख सकते हो ना, ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसके दर्द को फील कर सकते हो ना. नहीं तो अगर आपके लिए ग्रोथ का मतलब है अर्निंग, तो आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे सुबह से रात तक कि कैसे जिससे भी मैं मिल रहा हूं उसको यूज करूं अपने फायदे के लिए. ऐसा होता है? नहीं होता है. ऐसे लोगों की क्या रिलेशनशिप्स बनेंगी? क्या कहोगे ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स? वो तो बस किसी तरह से अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं, बाहर से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही गेम चल रहा है. तो ऐसे बंदों से टेम्पररी बेसिस पे तो लोग जुड़ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं होकर बड़ी जल्दी समझ आ जाता है कि नकली आदमी है. तो आपको देखना है, आपको नकली बनना है या असली बनना है. असली का मतलब क्या है? वो बंदा जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो आपकी प्रॉब्लम समझने में. अगर आप उससे आकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो उसका सोल्यूशन निकालने में. क्योंकि अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूं, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे पास में आए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूं, तो क्या मैं ग्रो कर गया? नहीं कर गया. मेरी इंटेलिजेंस ग्रो कर गई? नहीं कर गई. इसको इंटेलिजेंस कहेंगे ना, कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम चुटकियों में निकाल सके. जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गूगल नहीं निकाल सकता, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल सके, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस.
थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली. गूगल मतलब थ्योरेटिकली. थ्योरेटिकली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गूगल के पास में. गूगल देवता के पास में जाओ, ये बताइए जी, आज ये एनर्जी, उसको रट लो और उगल दो, मुझे सब पता है. थ्योरी. अब वहाँ पर एक और चीज़ ज़रूरी है, फील करना. कि सामने वाला बंदा अगर या कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है कुछ बात करने के लिए, आपको उसको फील करना है जी. फील नहीं करोगे तो उससे कनेक्ट कैसे होगे? सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है थ्योरेटिकली उसकी बातों को, फील करना है. वो कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, मान लो ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वहां पे एकदम से बैठ करके उसको ज्ञान नहीं देना है. यही हम गलती नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. ना, उसको गले लगा लेना है. ऐसे टाइम पे कई बार कुछ ना बोलना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहां पे कोई टेक्निक नहीं है, यहां पे बेईमानी नहीं चलती है. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो फाउंडेशन है, दैट इज ऑनेस्टी. अगर आपके बोलने की पावर इतनी बढ़िया नहीं भी है, क्योंकि अभी देखो यहां पर तो मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है अपने ऑफिस में भी मैं ऐसी बात करता हूँ, घर पे ऐसी बात करता हूँ? अरे जरा चाय लेकर के आना, चाय लाना आसान है. आई वॉन्ट चाय, मेरी बॉडी चाय मांग रही थी. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ऐसे ही बात करना. वहां पे मैं बड़े आराम से बात करता हूँ. चाय मिलेगी क्या? थोड़ी सी मिल जाती है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या कर रहा हूँ, आपका एक मिथ तोड़ रहा हूँ. आप क्या समझते हो, ज्यादातर लोग अब आप नॉर्मल अपनी लाइफ में कोई पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी कर रहे हो, वहां पर जाकर कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी दे रहे हो, तो वहां पर ऐसी जरूरत नहीं है. अगर ऑफिस में बैठो तो बड़े आराम से कूलली कामली आराम से बैठ करके बात होती है. पहले सुना साइलेंटली सामने वाले की बात को, समझा, फिर उसके हिसाब से देखा कि वहां पे बोलना जरूरी है या चुप रहना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं घर में, लड़ रहे हैं आपस में, वहां पे क्या बोलना जरूरी है, साइलेंस जरूरी है? साइलेंस इज एक्सट्रीमली पावरफुल. अगर मान लो यहां पे आप में से कोई कुछ गड़बड़ करता है, वहां पे क्या मुझे कुछ बोलना जरूरी है या आराम से साइलेंट हो जाना है? अपने आप ही उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा. बोलो यार ये क्या हुआ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी तरफ से रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन नहीं है. अगर सर वो फिर भी कंटिन्यू बोल रहा है तो फिर क्या करेंगे? और साइलेंट हो जाओ. उसके बाद में फिर मैं फाइनली बोलूंगा 5 मिनट बाद, तू साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊँ. हर सिचुएशन में कब कहां पर कैसे रिएक्ट करता है, ये कब पता लगेगा? जब हमने उसको सुना साइलेंटली, फील किया, समझा, फिर देखा कि इस सिचुएशन में कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, नहीं बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है. कई बार कई सिचुएशन में गुस्सा करना जरूरी होता है, बहुत बार हम अननेसेसरी कर रहे होते हैं. यानी ये कह लो जो भी पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबल अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, नियर टू बेस्ट, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए, तो आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है. थैंक यू.